लंदन में जॉब कर रही महिला ने पैसे का झूठा लालच दिखाकर करीब 2,50,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद कोई भी आवेदन प्राप्त न होने पर और बार बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिए जाने पर पीड़ित ने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। यह मामला ऑनलाइन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ठगी का है। अगस्त से अक्टूबर 2020 के दौरान आरोपी प्रिशा सिंह इस महिला ने लंदन के फ्लिप जियो कंपनी में परचेस मैनेजर की पोस्ट पर काम करने के बारे में बताते हुए पीड़ित से ऑनलाइन संपर्क किया। महिला की कंपनी भारत के एलएस न्यूट्रिएंट्स अहमदनगर की कंपनी से न्यूट्रिएंट ऑयल खरीदकर लंदन की कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसी जानकारी पीड़ित को दी। इस जानकारी के आधार पर आरोपी ने पीड़ित को कंपनी से 1,75,000 रुपए प्रति लीटर न्यूट्रिएंट ऑयल खरीदकर आरोपी के कंपनी को 4,800 रुपए $ प्रति लीटर में बेचकर फायदा कमाने का लालच दिखाया। इस सौदे के आधार पर आरोपी प्रिशा सिंह, आरोपी डॉक्टर रेमंड और आरोपी अमृता ने पीड़ित से 2,85,000 रुपए RM एंटरप्राइजेस के अकाउंट में ट्रांसफर करने की मांग की। पीड़ित द्वारा पैसे ट्रांसफर करने पर पीड़ित को कोई भी आवेदन नहीं भेजे गए, बार बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने मामला लकड़गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। लकड़गंज एक 45 वर्ष इसम राहतात, प्रिशा सिंह नावाच्या एका महिलेशी ऑनलाईन परिचय झाला। त्यांनी सांगितलं की आमचे न्यूट्रिएंट्स अहमदनगर नावाच्या कंपनीकडून खरेदी करून वेगवेगळे ती प्रोजेक्ट बनवत आहे, त्यात जर पैसे गुंतवले त्यात बराच फायदा होईल। त्यामुळे फिर्यादीकडून आरोपी क्रमांक 1 आणि 2 डॉक्टर रेमंड वेन्सन आणि 3 अमृता यांनी 2,85,000 रुपयाचे एंटरप्राइजेसच्या खात्यामध्ये ट्रान्सफर पैसे करून घेतले आणि पैसे कोणताही अहवाल पाठवला नाही किंवा कोणताही हे त्यांना पैसे परत केले नाही। त्यामुळे लकडगंजमध्ये 406 434 भादवी गांधी गुन्हा दाखल केलेला आहे। आता पुढे आम्ही त्या गुन्ह्याचा शोध घेतो, तपास। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ दीपिका धनेश्वर, NBC न्यूज नागपुर।